जब जब सबदा सबदा मुकदमा वो लोग करते हैं, अपनी माँ अगर जेल में जाती है, हमारे को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। चुप करना चाहिए हम लोगों को। और ये लोग दलित परिवार की जो बात करते हैं कि क्षत्रियो ने क्या दिया, तो जिस जगह मेरी गौशाला चल रही है उस गौशाला ने अबे नाजी महाराज को वो क्षत्रिय धर्म संत आते हैं, लेकिन उनको जमीन दी है 5 बीघा और वहाँ 1000 की गौ माता की सेवा हो रही है और क्षत्रिय समाज ने दी है। क्षत्रिय ने वो किया, क्षत्रिय ने मार दिया, क्षत्रिय ने 4 युगों में शीश दिए है। हम रोटी नहीं दे सकते, हम रोटी तक नहीं दे सकते हैं। क्षत्रिय समाज ने 4 युग तक शीश दिए गाय के लिए और बहन के लिए, बेटी के लिए। किसी की ताकत नहीं है कि क्षत्रिय समाज का विरोध करे। क्षत्रिय समाज में विलाम करता हूँ, अभी मैं संत हूँ, कोई जाति का नहीं हूँ, कोई धर्म का नहीं हूँ। मेरे गुरु महाराज श्री श्री 1008 प्रतापपुरी जी महाराज का मैं शिष्य हूँ और मैं एक गौशाला चला रहा हूँ जिसमें 1800 गौ वंश है, जिसमें नंदी गाय है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इन क्षत्रिय समाज ने हर वर्ग को पाला है, जात को पाला है, ब्राह्मण को पाला है, जोशी को पाला है, बनिए को पाला है, हर समाज को, हमारे को बेटे है, हमारे को शरण दी है। और हम इसी माता के बहन के ऊपर अगर मुकदमा करें तो क्षत्रिय अगर सड़क कलम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमारा इनकी जमीन है, इनकी बाप दादाओं की है। हमने राम कुल में पैदा हुए क्षत्रिय सभा इस धरती पे मानव नहीं था, मानव नहीं था इस क्षत्रिय समाज के सभा। क्षत्रिय ने इतना कष्ट उठाया है, शीश कलम किया है और हम इनकी निंदा करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ स्वामी मोहनपुरी जी से, ऐसे जो संत है जैसे वो हो गया है, जैसे नीम सिंह जी हुआ है, सुख सिंह जी अभी बताएंगे क्या हुआ। जय हो सुख सिंह छोड़ा। बोलो सुख सिंह जी छोटा पोसीना से निवेदन करूंगा कि आप बता रहे हैं कहीं नहीं जाना, यही रहना बेटे, कुछ नहीं, हमेशा जो होता है टेबल वाला वही हुआ, जिसने हमें हमेशा था वही हुआ। मेरा निवेदन है कि अभी जो प्रतिनिधिमंडल जो अंदर गए थे वो सभी आ रहे हैं, वो आपको जो भी बात सुनाएंगे उस बात को अच्छे से सुने समझें और उस पर मनन जरूर करेंगे, क्या ये हमारे हित की बात है या वैसे अहित की बात है, ये मनन जरूर करना। मैं वो सब आ जाएंगे, बात कहेंगे, उसके बाद में जो भी आप अगर हुक्म देंगे तो उद्बोधन जरूर दूंगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में डॉक्टर अभय सिंह बढ़ाई।